कि हम देखने आए थे यहाँ पे सिचुएशन का जायज़ा लेने, तो फर्स्ट देखने से लगता है, फर्स्ट इंस्टांस पे पता लगता है कि कोई माइनर क्लाउड बस्ट हुआ है अपर रिसीव पे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मलबा, काफ़ी ज़्यादा सिल्ट और पेड़, जो हैवी पेड़ हैं, बोल्डर्स जो हैं वो आए हैं। और अच्छी बात ये है कि वो नाले के थ्रू ही आए हैं, उनका जो आउटलेट है थ्रू प्रॉपर कस्सी में ही हुआ है। हाँ, एक दुकान जो बिल्कुल नाले के साथ थी उसको डैमेज हुआ है, वो कमर्शियल स्ट्रक्चर था, उसी के पास एक गाड़ी भी थी जो मलबे में पूरी तरह दब चुकी है। कोटे जगीर का रोड जो है वो ब्लॉक है, उसके लिए ऑलरेडी मशीनरी जो है वो डिप्लॉय कर दी गई है, वो जल्दी खोल दिया जाएगा। यहाँ अपर बामला का एक रोड है, ये जो है फोर्टिंग फाइनेंस कमीशन में बना हुआ था रोड, ये ऑलमोस्ट डैमेज हो चुका है, फुली डैमेज हो चुका है, तो इसको भी जल्दी रिस्टोर करवाने की किसी प्लान में रखने की कोशिश करेंगे। जान का अगर मैं नुकसान कहूँ तो अच्छी बात है कि ऐसा कोई हमें नहीं चीज़ मिली है यहाँ पे, बहुत ही बचाव हो गया है, कुछ लोगों के घर में मलबा गया है। और जैसा कि अभी स्थानीय लोगों से बात भी हुई, तो ऊपर क्लाउड बस्ट होने की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेटा जो है वो लूज़ हो गया हुआ है, तो ये घर जो है रिस्क जोन में है, इससे भी हम पिकअप करेंगे हायर अथॉरिटीज़ के साथ कि किस तरह से इनका भी रेस्क्यू ऑपरेशन अगर करना पड़े। नेचुरल कैलेमिटी पे आप पहले से जज नहीं कर सकते, जल शक्ति मिशन का काम है कि पाइपें लगाना, उन्होंने अपनी पाइपें लगाई थी, अभी हमने देखा काफ़ी PHE की पाइप जो है वो डैमेज हो चुकी हैं, तो PHE डिपार्टमेंट भी यहाँ मौके पर ही मौजूद है, इनको बोला गया है कि ये जल्दी से जल्दी जो है वाटर सप्लाई को रिस्टोर कर दें, जो इसका परमानेंट सोल्यूशन रहेगा वो लॉन्ग टर्म रहेगा। देखो, जो हमने अभी मौके पर हम आए थे, अभी हम चार स्पॉट हमें चेक किए हैं, चारों में हमारी जो मेन, देखो ये सामने दिख रहा है, ये हमारी 2.5 इंच की SGP पाइप JJM में लगी थी, और जो टोटली लॉस हो गई है, कम से कम 2.5 किलोमीटर इसकी लेंथ थी, उसके साथ दूसरी जो पैरेलल उसकी 1.5 किलोमीटर लेंथ थी, वो भी टोटली लॉस हो गया। यहाँ भी लॉस हो गया है, सिदिनी में हमारा लॉस हुआ है, उसका खरोटी में, बामला में टोटली इसमें लॉस देख रहे हैं, कहीं पर टोटली इसमें सप्लाई हमारी बंद है। राइजिंग मेन, हमारी जो मेन राइजिंग मेन है वो भी टूटी है, जो BC नाला से हमारा पानी राइजिंग मेन, जो मेन सोर्स था स्प्रिंग का, झील का, वो टोटली लॉस हो गया। इस समय हमारा बामला में पानी बंद पड़ा हुआ है, छोटी में पानी बंद पड़ा हुआ है, अभी हम अलग अलग स्पॉट पर जा रहे हैं, पर अभी जो हमने स्पॉट चेक किए हैं तो इसमें टोटली हमारी पाइपें लॉस हो गई हैं। जो हमारी ओल्ड GI पाइप थी वो तो टूटी टूटी है, जो नई JJM में पाइप लगी थी जल जीवन मिशन के अकॉर्डिंग, उसका भी काफ़ी लॉस हुआ है। हमें हमारे साथ कंट्रैक्टर ही हमारे साथ आए हुए हैं, और हम इनको बोला स्टोर करने के लिए, पर जितना भी जल्दी काम करेंगे इसमें कम से कम 10 से 15 दिन लगेंगे स्टोर होने के लिए। यहाँ 2.5 फुट दबी हुई थी, या हम खुद यहाँ पे स्पॉट चेक किए थे, जहाँ 2.5 फुट पाइप हमारी दबी हुई थी, वो स्पॉट ही चेंज हो गया है। जो रोड था यहाँ पे, जो रोड था वो तो दिख नहीं रहा, कहीं पे ऐसी वो दिख नहीं रहा, इसलिए टोटली हमारा लॉस हो गया। अभी AWC और HSS से हमारी बात हुई है, उन्होंने बोला है कि आप डैमेज रिपोर्ट देख के आओ, कितना क्या हुआ लॉस, जो भी हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो भी हम आगे करेंगे।